हेलो फ्रेंड्स, स्वरास्वी डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मोदक बनाने वाले हैं और ये स्ट्रॉबेरी का सीजन है तो हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करेंगे और बहुत यम्मी मोदक बनते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पिंक कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो चलो शुरू करें आज की ये रेसिपी। के लिए आटा लगाएंगे तो सबसे पहले मैंने एक बोल में एक कप मैदा लिया है और मैदे के साथ एक कप मैं यहाँ पे गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो दो कप मैदा या दोनों कप आप गेहूं के आटे में भी इस रेसिपी को बना सकते हो। हम नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मोयन लगाएंगे क्योंकि हमें जो मोदक है थोड़े खस्ता बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं तीन बड़े चम्मच मैं घी डालूंगी। आप चाहो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो पर घी से इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा, शाही बनेंगे ये मोदक। तो 3 टेबलस्पून हमने इसमें देसी घी डाला है। अब घी और आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से ही मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे और हमें ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं बनाना है, सेमी सॉफ्ट आटा हम बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा आटा तैयार है और आप देख सकते हो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हमने बनाया है, बिल्कुल पूरी का जो आटा होता है थोड़ा सा सख्त उसी तरह से हमने इसे बनाया है। और इसे अब हम ढक के आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। हम मोदक की स्टफिंग बना लेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन में एक कप कसा हुआ नारियल डालेंगे। ये ताज़ा नारियल का हम इस्तेमाल, एक कप नारियल में हम आधा कप चीनी डालेंगे। चीनी आप आपके स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आधा चम्मच यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। 2 मिनट हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और गैस की आंच हम धीमी रखेंगे वरना जो नारियल है वो लग सकता है, जल सकता है। और फ्रेंड्स, चीनी जो है हमारी घुलने चालू हो गई है, आप देख सकते हो ये जो मिश्रण है वो सॉफ्ट हो गया है। और 1-2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है और अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे ये स्ट्रॉबेरी। ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी है फ्रेंड्स, अभी सीजन में है। और इसके पहले भी मैंने उकड़ी से मोदक बनाए थे, स्ट्रॉबेरी वाले उकड़ी से स्ट्रॉबेरी मोदक, और उसमें मैंने रेडीमेड जो क्रश आता है या पल्प आता है स्ट्रॉबेरी का उसका हमने इस्तेमाल किया था। पर फ्रेंड्स, फ्रेश स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आज हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने करीबन आधा कप स्ट्रॉबेरी को चॉप कर लिया है। और फ्रेंड्स, चॉप करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप पल्प करोगे तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। जब ये छोटे छोटे बाइट्स जब हम खाएंगे मोदक तो मुंह में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल बाइट साइज रखा है मैंने। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा टाइम चलाना नहीं है, बस 2 मिनट हम इसे मिक्स कर लेंगे। और गैस को मैं अब बंद कर दूंगी। तो गैस को अब मैं बंद कर दूंगी। इतना प्यारा पिंक कलर आया है और बिल्कुल भी हमने इसमें एडिशनल कलर नहीं डाला है, जो नेचुरल स्ट्रॉबेरी का कलर है वही है। तो इस स्टफिंग को जो है हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और बिल्कुल भी हमें स्ट्रॉबेरी को पकाना नहीं है। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, हम स्टफिंग को ठंडा कर। फ्रेंड्स, आटा हमारा सेट हो गया है अच्छे से। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना, अब हम इसकी पूरी बेल लेंगे। इस तरह से हम सारी पूरियों को हमने बेल लिया है और यहाँ पे एक पूरी को हम हाथ पे रखेंगे और ये जो हमारा स्टफिंग है उसे हम इस पे डालेंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी का स्मेल है वो मुझे चाहिए इस स्टफिंग में और उसका फ्लेवर, इसलिए मैंने इलायची नहीं डाली है। आप चाहो तो आप थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें डाल सकते हो। तो अब हम मोदक बनाएंगे। आप चाहो तो मोदक मोल्ड का भी इस्तेमाल करके इन्हें बना सकते हो। और फ्रेंड्स, अन्य मोदक के रेसिपी लिंक्स मैंने नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उन्हें भी आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। तो इस तरह से हम हमारे सारे मोदक बना लेंगे। हमारे सारे मोदक तैयार हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और ये सारे मोदक हमें धीमी से मीडियम आंच पे ही फ्राई करने हैं तो ये अच्छे खस्ता बनेंगे। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो ये बाहर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ये जो मोदक है हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और सुनहरे भी हो गए हैं तो इन्हें अब हम बाहर निकालेंगे।
फ्रेंड्स, हमारे ये स्ट्रॉबेरी मोदक तैयार है और बहुत यम्मी लगते हैं, तो आप इन्हें घर पे ज़रूर एक बार बनाइए, ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा पिंक कलर आया है, इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी दिख रही है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।